सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के लिए बने मंच के पास हुई दलित शख्स लखवीर सिंह की हत्या के मामले में जिस निहंग सरबजीत सिंह ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था, आज उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और सरेंडर करने के बाद आरोपी निहंग सरबजीत सिंह का कल देर रात मेडिकल कराया गया और उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक इस निर्मम हत्याकांड के मामले में अभी कई और लोगों की गिरफ्तारी होनी है। पुलिस जबरदस्त एक्शन में और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आज दोपहर तक हरियाणा पुलिस बड़ा खुलासा भी कर सकती है। किसान आंदोलन के मंच के पास ही दलित शख्स लखवीर सिंह की हत्या कर दी गई थी और उसके शव को बैरिकेड पर लटका दिया गया था। एक तरफ पुलिस जांच कर रही है तो दूसरी ओर हत्या का यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसमें सिंघू बॉर्डर को खाली करवाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। इस वक्त मैं आपको अपने मोबाइल फोन में यह तस्वीर दिखा रहा हूं। यही सरबजीत है जिसे कोंडली थाने की पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से उस वक्त हिरासत में लिया जब ये एक लोकल यूट्यूब चैनल को लाइव दे रहा था। उस वक्त ये बताया जा रहा है कि इसने ये भी कहा है कि ये आत्मसमर्पण कर रहा है। अब फिलहाल इससे पूछताछ की जाएगी और इंडिया टीवी ने करीब 4 बजे के आसपास कुंडली का, ये जो सोनीपत का जो थाना है, यहीं पर बातचीत की थी जो एडीजी हैं रोहतक रेंज के, उनसे और साथ ही जो सोनीपत के एसपी हैं उनसे भी हमने बात की थी। उन्होंने ये कहा था साफ तौर पे कि बहुत जल्द इस मामले के अंदर हरियाणा पुलिस गिरफ्तारी करेगी, क्योंकि जो अलग अलग वीडियो निकलकर सामने आ रहे थे उन वीडियो में पुलिस कई आरोपियों की पहचान कर चुकी थी। 4 बजे के आसपास हमने बात की थी सीनियर ऑफिसर से और जो एक्शन है वो 7 बजे के आसपास ही एक्शन देखने को मिला, जिसमें सरबजीत नाम का एक शख्स पुलिस की हिरासत में है और फिलहाल पुलिस इससे लगातार पूछताछ करेगी। इसके अलावा कई और लोगों की भी पहचान की जा चुकी है। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस कल जो है एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें कर सकती है, जब सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो डिटेल जानकारी देने के बाद पुलिस और भी लोगों की गिरफ्तारी करेगी। फिलहाल सरबजीत नाम का एक शख्स इस वक्त हरियाणा पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। कैमरामैन कुलदीप बालियान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, कुंडली। घटना की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्वर खालसा उड़ना दल ने ली है और निहंग समूह ने एक वीडियो में कैमरे के सामने स्वीकार किया है कि उनके समूह के ही निहंग ने लखवीर की हत्या की है और इसमें वो साफ साफ कह रहा है कि जो कुछ सिंघू बॉर्डर पर हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी है और फिर ये धमकी भी दी कि अगर आगे भी कर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ ऐसा ही अंजाम होगा। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह की जरूरी बेनती है जी। ये जड़ा ये घटना वापरी है, ये पंथ कालीन निर्वैर खालसा उड़ना दल श्री मानसा का बाबा प्रीतम सिंह मोया की मंडी वाले का दल है। तो संघा ने सवेरे अमृत वेले सिंघा ने साडे ने काबू किया, साढ़े सिंघा ने इन सौदा लाया, अपने दल के पालकी साहब के अगे इनू लमकया होया। तो यह हूँ कोई कही जाता जी फलाने ने तुरंत कार्रवाई ने लाता जी सौदा, कोई कहता जी बुढ़े दल ने लाता जी, कोई कहता किसी ने लाता, ये किसी ने कोई सौदा नहीं लाया, खालसे की मोहन की मंडी वाले ने सिंघा ने सौदा लाया, अं गल की जिम्मेवारी लेंगे हाँ। गांह भी जो कोई इस तरह करूगा वो भी इस तरह ही वापरूगा। सिंघू बॉर्डर पर धार्मिक ग्रंथ से बेअदबी के आरोप में पहले लखवीर सिंह को पीटा गया, उसे अधमरा कर दिया गया, वो न्योंगों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने एक बात नहीं सुनी, उसे किसान आंदोलन के मंच के पास उल्टा लटका दिया गया, हाथ काटकर अलग कर दिया, धार्मिक ग्रंथ के बेअदबी के आरोप पर ऑन द स्पॉट फैसला किया। हेलो उधर राकेश टिकैत ने भी कहा है कि जो कुछ हुआ वो गलत है, कानून के मुताबिक धाराएं हैं उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, आंदोलनकारियों का इस हत्या से कोई संबंध नहीं है। जो देखा है वो पूर्ण रूप से गलत है और संयुक्त मोर्चा ने अपना बयान जारी कर दिया, उसमें कानून अपना काम करेगा। और क्या भाई, यही तो है ना कि कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करे, संयुक्त मोर्चा ने तो कह दिया,
हमारा कोई नहीं, अपना कानून अपना काम करें, जो देश में धाराएं हैं, कानून है, संविधान है, उसका पालन होगा। यहाँ हिंसा नहीं है, हमारे यहाँ पे हिंसा नहीं है, और उसमें लोगों ने क्या उसमें करा है वो सबको पता है, कानून अपना काम करे उसमें। क्या लगता है सर इस तरह की, देखो इस तरह की घटना से कि प्लेटफार्म पर होती है तो नुकसान उससे होता है, लेकिन हमारा कोई मतलब नहीं है इनसे, ठीक है। जैसे कोई चलता हुआ किसी को कत्ल कर दे रास्ते में, तो उसके उस गांव वाले की या उसकी क्या जिम्मेदारी हो, तो जो करेगा देश में धारा है भाई, अपना कानून अपना काम करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।